विभिन्न प्रजातियों में से स्पीशियस में से फ्लैगशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इमेज को सामने रखेंगे कि फ्लैगशिप होता क्या है। एक फ्लैग और शिप, ऐसे दो वर्ड को जोड़ दीजिए, शिप के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है। वैसे इसके सिंबॉलिक मीनिंग बनते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, जिसकी सिग्निफिकेंस है। दूसरा इसका क्या मीनिंग बन सकता है? हो सकता है कि ये जो फ्लैग है ये एक सिंबल है। ओके, ये सिंबल क्या करता है? हमेशा ही रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि ये कुछ और है, एक कपड़ा है उसके ऊपर जो रंग लगा दिए गए हैं डिफरेंट तरीके से, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये इसको, यूनाइटेड किंगडम के एक देश के, एक एम्पायर को, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी को सामने रख के हमने फ्लैगशिप स्पीशियस प्रजातियों को समझ लेना है। तो ये दो वर्ड जो मैंने यहां लिख दिए हैं, जब प्रजातियों को समझेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसकी सेंट्रल आइडिया होगा जब स्पीशियस में इनको अप्लाई करेंगे। अच्छा, दूसरा मीनिंग बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वगैरह, ये बात हो चुकी है। फ्लैगशिप स्पीशियस, इनकी डेफिनेशन देखनी है। स्पीशियस दैट आर चार्मिस्टिक एंड विजुअली अपीलिंग, बहुत ज्यादा देखने में अच्छे लगते हैं। दैट आर यूज्ड एज सिंबल्स एंड रिप्रेजेंटेशन। कभी भी कोई हम भद्दा या घटिया सिंबल नहीं यूज करते, अच्छी चीज को ही एज ए सिंबल यूज करते हैं। ऑफ स्पेसिफिक कंजर्वेशन कॉजेज और इनिशिएटिव, दे कैप्चर पब्लिक अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका सेकेंड जो इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, पब्लिक अटेंशन, जनरेट अवेयरनेस, मोबिलाइजिंग सपोर्ट कंजर्वेशन के एफर्ट के लिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम इस स्पीशीज को बाकी की प्रजातियों से भिन्न कर सकते हैं। तो इसको याद कैसे रखना है? अच्छा है, पहले इनकी एग्जांपल देख लें, फिर याद रखना आसान होगा। फ्लैगशिप की बेस्ट एग्जांपल हमारे इंडिया में है बंगाल टाइगर। अच्छा, ये अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पैंथेरा टाइगर। तो वो जो ऊपर बात करके आए हैं वो सारे चीजें यहां अप्लाई करके देखिए। ये देखने में अपीलिंग लगता है, चार्मिस्टिक लगता है, ब्रेव लगता है, किसी जंगल या एरिया के बाहर इसकी इमेज लगी है तो इट मींस उसको एज ए सिंबल, एज अ लोगो, एज अ आइकन यूज किया गया है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट इजी एग्जाम्पल हमारा जो है इंडियन पीकॉक, इसका स्पेसिफिक नेम ये है। तो ये इमेज याद रख सकते हैं। अब फ्लैगशिप जब भी स्पीशियस आती है इन दो चीजों को याद रखना है। वेरी इजी एग्जांपल, तो ये सिंबल किसका है? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, सिंबलाइज ब्यूटी, ग्रेस, कल्चरल हेरिटेज, उसका ये सिंबल है, प्योरिटी का सिंबल है। अच्छा, इसकी अगर कंजर्वेशन संभाल हम करते हैं तो क्या प्रोटेक्शन ऑफ एवियन डाइवर्सिटी एंड हैबिटेट कंजर्वेशन होती है? अब इजी वे जिसके साथ हम लर्न कर सकते हैं कि फ्लैगशिप स्पीशियस के मेन फीचर, डिस्टिंग्विश फीचर कौन से हैं? नंबर एक, मैंने ऐसे बुक पर, नोटबुक पर लिख लिया फ्लैगशिप। सबसे पहले उठाया मैंने एस्को, क्यों? क्योंकि सिंबॉल रिप्रेजेंटेशन, पीकॉक की एग्जांपल हम देख के आए हैं। दूसरा मैंने उठाया पी, पब्लिक अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट, पब्लिक को जागरूक करना है, उनको इन्वॉल्व करना है कंजर्व, इनकी संभाल के लिए, बाकी जीवों की संभाल के लिए। दूसरा पी से है मेरे पास, कलर चेंज कर लेते हैं, ये पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा, अगला नेक्स्ट है, यहां पर लिखा मैंने अपीलिंग, चार्मिंग, चार्मिस्टिक। एफ से लिखा मैंने फंड रेजिंग एंड सपोर्ट, और आई से लिखा इंटेग्रिटी ऑफ इकोसिस्टम। ये वाला फीचर इंडिकेटर स्पीशियस के बिल्कुल करीब है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है रिगार्डिंग हेल्थ एंड इंटेग्रिटी ऑफ इकोसिस्टम। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि बाकी फीचर इसके साथ में मिलने चाहिए। और इकोसिस्टम से बहुत अच्छा एक और पॉइंट जो बनता है, जरूरी है हर हालत में, वो क्या है? एजुकेशनल प्रोग्राम जहां
कंपेन्स। तो ये मेन फीचर है जो मैंने फ्लैगशिप वर्ड को लिख के बता दिए हैं, यही फीचर के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन घूमेंगे। तो आइए ए फ्लैगशिप पर जो मेन क्वेश्चन बनते हैं उनको अब सॉल्व करते हैं इस नॉलेज के बेस पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्लैगशिप स्पीशियस, दे हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अबंडेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ अदर स्पीशियस। ये इंडिकेटर के जो ऑप्शन डाले गए हैं, दे आर चूजन बेस्ड ऑन देयर रोल इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, दे आर यूज्ड एज सिंबल। देखिए एकदम से मिल गया हमें, और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्पीशियस ऑफ कंजर्वेशन, एकदम ये ठीक हो गया। फिर लास्ट फिर भी पढ़ेंगे, दे आर प्राइमरी चूजन बेस्ड ऑन देयर सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंट। ये सेंसिटिविटी जो है इंफॉर्मेशन इंडिकेट, ये जब करेंगे इंडिकेटर स्पीशियस उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। तो हिंदी में मेरे ख्याल में साथ में आप देख सकते हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में पढ़ता हूं, आपका टाइम भी बचाना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा और हिंदी में है, ये रहा प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण में उपयोग के मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब के अब ये फ्लैगशिप को प्रमुख प्रजातियां यहां बोला गया है, दैट इज वाई ट्रांसलेटिंग ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। एक परिस्थिति तंत्र के स्वास्थ्य और गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए, टू असेस द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ इकोसिस्टम, जब असेस करना है तो ये इंडिकेटर आ गया, इंडिकेटर इंडिकेटर वाला आएगा। हम क्या कर रहे हैं फ्लैगशिप की, टू गाइड द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्शन, ये वाइडर है, ये बिल्कुल करीब जा रहा है। संरक्षण और प्रबंधन के कार्यों में मार्गदर्शन करना, टू प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस, ओ हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिपल टिक गाए जा सकते हैं क्योंकि इससे भी बेटर ये है। एंड सपोर्ट, ये भी हमारा फीचर जो पीछे करके आए हैं, कंजर्वेशन एफर्ट, बिल्कुल ठीक है। सी को हम राइट आंसर चूज कर रहे हैं, टू मॉनिटर द प्रेजेंस एब्सेंस एंड अबंडेंस ऑफ सर्टन सर्टन स्पीशियस, ये भी इंडिकेटर स्पीशियस के करेक्टरिस्टिक हैं। तो हमारा राइट आंसर है थर्ड, संरक्षण प्रयासों के लिए सार्वजनिक जागरूकता और समर्थन, पब्लिक का समर्थन लेना है ना, पब्लिक के समर्थन के बिना हम एनवायरनमेंट को बचा नहीं सकते। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रजाति की उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैगशिप स्पीशियस। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब कैसे, अब वही जो फीचर पीछे करके आए हैं उनको अप्लाई करेंगे। क्या सिंबल है एफ का, एस एस दिखाई देता था ना, ये वाला यहां, क्या क्या उसको सिंबल के तौर पर यूज किया जा सकता है, क्या अपीलिंग है, चार्मिंग है, क्या पब्लिक को एंगेज करने के लिए, क्या इमेज उसकी जो है एज ए रिप्रेजेंटेशन, एज ए साइन, एज ए लोगो यूज की जा सकती है। तो ये देखना है कि ईगल है, सबसे पहले इसको यस कर रहे हैं कि यस ईगल इनमें से, अब इनको कंपेयर करें। ईगल को तो पंजाबी कल्चर में बहुत ज्यादा बड़ा सिंबल माना जाता है बहादुरी का। कॉरल रीफ, ये तो काई ग्रास ऐसे कुछ होता है, नहीं ये होता है सॉयल। बैक्टीरिया को कभी सिंबल यूज किया है, नहीं इनमें से कोई भी कॉरल रीफ नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता, अगर नहीं पता, जिसका पता है उसमें से सबसे नजदीक का जहां अप्लाई होता है उसको टिक कर देंगे, हम ईगल को यहां टिक करेंगे। एक्चुअल में राइट आंसर भी वही है। अगर आपने ये देखना है कोरल रीफ क्या होता है, क्योंकि हो सकता है ऐसे वर्ड के मीनिंग से कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। कोरल रीफ प्रोवाइड हैबिटेट फॉर लार्ज वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ, जो समुद्र के तल के नीचे है। मैरीन कैसे याद रखता हूं मैं, सब मरीन जो पनडुब्बियां पानी में डूबती हैं, नीचे जाती हैं, तो पानी के नीचे समुद्र के नीचे की बात होगी, ऐसे मैं याद रखता हूं। इंक्लूडिंग वेरियस स्पॉन्जेस, तो ये इमेजेस आप देख सकते हो, इससे रिलेट कर सकते हो कोरल रीफ। इसको सिंबल नॉर्मली हम कहीं यूज किया हुआ देखते नहीं है। वापस चलते हैं यहां पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्लैगशिप स्पीशियस आर ऑफन चूजन बेस्ड ऑन, फोर्थ क्वेश्चन है ना ये, चार्मिंग एंड एस्थेटिक अपीलिंग, यही बार बार किया था मेरे ख्याल में, पहले में ही राइट आंसर हमें मिल गया है।
ये भी करेक्टरिस्टिक एस्थेटिक अपीलिंग किया था, चार्मिस्टिक भी किया था, कृष्माई सौंदर्य अपील हिंदी में है ना, रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस, सेंसिटिविटी ये इंफॉर्मेशन और इंडिकेटर की आ रही है, अबंडेंस ये भी इंफॉर्मेशन और इंडिकेशन की आ रही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ फ्लैगशिप स्पीशियस, कौन सा प्रमुख प्रजाति की भूमिका को सबसे अच्छा वर्णन करता है। दे हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सर्वाइवल एंड परसिस्टेंस ऑफ अदर स्पीशीज, अन्य प्रजातियों के अस्तित्व और निरंतरता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मैं इसको याद ऐसे रखा है कि जो दूसरों दूसरी स्पीशीज पर प्रभाव डालते हैं उसको अम्ब्रेला जो है स्पीशीज प्रजाति उसमें शामिल आता है, दैट इज वाई यहाँ ये रिजेक्ट हो गया। दे इंडिकेट द ओवरऑल हेल्थ एंड इंटीग्रिटी, यहाँ पर इंटीग्रिटी ऑफ इकोसिस्टम ये इंडिकेटर से भी बहुत ज्यादा मैच करती है, लेकिन बाकियों को पढ़ेंगे अगर तो कोई ना मिला तो इसको टिक कर लेंगे, छोटा टिक ये मैंने लगा लिया क्योंकि यहाँ पर एक हेल्प कर रहा है इंडिकेटर, ये इंडिकेटर की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन इंटीग्रिटी ऑफ इकोसिस्टम और हेल्थ जो है ना ये थोड़ी ओवरलैपिंग करती है जो फ्लैगशिप स्पीशीज है। दे प्रमोट पब्लिक सपोर्ट, ये बड़े वाला इंडिकेटर हमें मिल गया राइट आंसर का, बड़ा टिक लगा लिया। एंड फंडिंग, ये भी हमने पीछे करके आए हैं, फॉर कंजर्वेटिंग इन इनिशिएटिव। तो कैसे फंडिंग होती है कि आप जब कहते हो कि पीकॉक को बचाना है, लॉयन को बचाना है, टाइगर को, बंगाल टाइगर को बचाना है, उसकी इमेज है डिस्प्ले करते हैं, टेलीविजन पर दिखाते हैं और जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, तो फंड रेज होता है पब्लिक जो उसके लिए सेंसिटिव है, जैसे मोर के लिए हम धार्मिक की तरफ से भी धर्म की तरफ से भी जुड़े हुए हैं, तो वो फंड रेज हो जाता है। तो ये अब तक का सबसे अच्छा ऑप्शन है। दे आर एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, तो सी को हमने राइट आंसर, ये राइट आंसर है, संरक्षण पहले के सार्वजनिक समर्थन, इसके बेस पर मैं वो फ्रेज या वर्ड अंडरलाइन या सर्कल करता हूं जिसके बेस पर आपने बाकी स्पीशीज के से डिफरेंस देखना है, धन को बढ़ावा है ना देता है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ आर फ्लैगशिप स्पीशीज डिफरेंट फ्रॉम कीस्टोन स्पीशीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फ्लैगशिप का मीनिंग भी लीडिंग, इनका लीडिंग ज्यादा मतलब बनता है और इंपॉर्टेंट भी बनता है, और कीस्टोन का भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट वो डेफिनेशन के फीचर, डिफाइनिंग फीचर है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन के जरिए रख रहा हूँ। तो वो अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये दोनों का डिफरेंस बताएगा। तो हिंदी में ये है, फर्स्ट है, फ्लैगशिप स्पीशीज हैव लार्जर इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये अभी तक ये ऐसे करते हैं, यहाँ पर छोटा टिक लगा लेते हैं क्योंकि आगे इससे बेटर ऑप्शन मिली तो उसको चूज करेंगे। अच्छा, की स्टोन स्पीशीज हैज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ चार्मिस्टिक अपील, यहां पर गलत हो गया ना, चार्मिस्टिक अपील अभी हम करके आए हैं फ्लैगशिप स्पीशीज का, तो ये गलत हो गया पक्का। फ्लैगशिप स्पीशीज आर इंडिकेटर ऑफ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन, नहीं ये इंडिकेटर का है, इंडिकेटर स्पीशीज का है, क्योंकि जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई जहां बहुत ज्यादा है ना तो वहां का इकोसिस्टम बेटर है। अब बटरफ्लाई की प्रेजेंस इतनी ज्यादा इंडिकेट कर रही है कि कौन सा वहां का जो एनवायरमेंट और इकोसिस्टम कैसा है। अच्छा, ये भी गलत हो गया। की स्टोन स्पीशीज प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस, नहीं पब्लिक अवेयरनेस अभी करके आए हैं, फ्लैगशिप स्पीशीज का है, एंड स्पोर्ट ये भी फ्लैगशिप स्पीशीज का है। तो हमारे पास ये सारे गलत हो गए, इसके बेस पर हम इसको राइट आंसर ढूंढ रहे हैं, प्रमुख प्रजातियों का परिस्थिति की तंत्र संरचना और कार्य पर बड़ा प्रभाव है, लार्ज इंपैक्ट, इसको यहां पर चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लैगशिप स्पीशीज, हिंदी में है यहाँ पर, फर्स्ट चलो देख लेते हैं यहाँ पर, उन्हें उनकी दुर्बलता और विलुप्त होने के भेद्यता के आधार पर चुना जाता है, नई बात बन रही, दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ रेयरिटी एंड वल्नरेबिलिटी, नहीं बात बन रही है भाई। जो फॉर एग्जांपल हम लेके चले हैं बंगाल टाइगर को लिया है ना, तो
नेचुरली है हमारे पास टाइगर कितने हैं, पीछे हमने सुना भी था न्यूज़ थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो कितने टाइगर जो हैं बाहर के देश से मंगवाए हैं, इट मींस रेयर, ये वाला मेन वर्ड है यहाँ पर, विलुप्त और दुर्लभता, कम मिल रहे हैं, गिनती उनकी कम हो रही है, उसके बेस पर चुना जाता है। यस इसको छोटा सा टिक लगाएंगे, पीछे फीचर जो करके आए हैं, देखा ऐड होगी ना क्वेश्चन से नॉलेज, तो ये उनको सिंबल चुना जाता है क्योंकि वो कम भी हो रहे हैं, दैट इज वाई इसको छोटा टिक लगा रहे हैं। ये रहा दे आर यूज्ड एज असेस, जब असेस आ गया तो असेस कैसे होगा, इंफॉर्मेशन से, इंफॉर्मेशन कौन देता है, इंडिकेटर स्पीशियस, इंडिकेटर स्पीशियस, यहां पर इसको रब कर देता हूं मेरे ख्याल में, चलो ऐसे कर देता हूं, दे हैव ए डिसअप्रोप्रिएशनली लार्ज इम्पैक्ट ऑन द अबंडेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ अदर स्पीशियस, तो ये क्या हो गया, ये इम्पैक्ट ऑन अबंडेंस, अबंडेंस लार्ज है ना इम्पैक्ट, ये अम्ब्रेला वाला बन गया। अगर अन्य प्रजातियों की बात आती है तो आपने पहले अम्ब्रेला को चूज करना है, बाद में जो है फ्लैगशिप को यूज करना है। अब इसको भी थोड़ा वीक लेके चलते हैं, अगर छोटा टिक लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये तो पूरा गलत हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। दे आर प्राइमरी सिलेक्टेड ऑन देयर रोल इन मेंटेनिंग इन इकोसिस्टम, नहीं, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो हम राइट आंसर किसको लेके चल रहे हैं, इसको, क्योंकि जो सिंबल चूज किए जाते हैं वो उनकी दुर्लभता और विलुप्त जो हो रहे हैं उसके बेस पर चूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट्थ क्वेश्चन, ये रहा फ्लैगशिप स्पीशियस कैन हेल्प रेज अवेयरनेस अबाउट, अब नेक्स्ट एक्सटेंड हो रही है नॉलेज, लोकल वेदर पैटर्न्स, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, वाटर पोल्यूशन, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हमने ये देखना है कि वाइडर कौन सा है, गोल हमेशा ही वाइडर होता है, फ्लैगशिप स्पीशियस, प्रमुख प्रजातियां, देखो प्रमुख शब्द बार बार आ रहा है, तो क्या छोटे पार्ट के लिए अवेयरनेस पैदा की बढ़ाई जाएगी, या बड़े पार्ट के लिए, बड़ा पार्ट है लोकल वेदर के लिए होगी, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, अगर ना मिला तो इसको चूज करेंगे, अगर वाइडर मिला तो। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बायोडाइवर्सिटी इस पर टिक लगा रहा हूं अभी मैं, वेदर पोल्यूशन ये भी बड़ा कंसेप्ट है, सिर्फ एक आस्पेक्ट रह गया, लेकिन लेकिन बायोडाइवर्सिटी बड़ा कंसेप्ट है, इसको छोटा सा टिक लगाया, और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन तो ये तो रिलेटेड ही नहीं है, इस यहां भी पढ़ लें, भूविज्ञानी संरचनाएं, ये तो रिलेटेड ही नहीं है, ये दो रिजेक्ट होते हैं, इनमें से चूज करेंगे, यहां पर राइट आंसर चूज कर रहे हैं थ्रेट्स, जैव विविधता के लिए खतरा, लॉन्ग टेल भी है, अगर ना मिले तो लॉन्ग टेल नॉर्मली बड़ा आंसर, राइट आंसर पा लिया जाता है जो रिसर्च कहती है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फ्लैगशिप स्पीशियस, प्रमुख प्रजातियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, दे आर इंडिकेटर ऑफ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर इंडिकेटर है शब्द तो वो इंडिकेटर स्पीशियस है, इसके बेस पर ये गलत हो गया, दे हैव ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन सर्वाइवल एंड परसिस्टेंस ऑफ अदर स्पीशियस, अम्ब्रेला वाला हो गया स्पीशियस है ना, दे आर प्राइमरी चूजन बेस्ड ऑन देयर अबंडेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, नहीं, अबंडेंस एंड डाइवर्सिटी के बेस पर उसको चूज नहीं किया जाता, वो जो लुप्त हो रहे हैं पीछे हम पढ़ के आए हैं उसके बेस पर इसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि जो जो दुर्लभता है जो कम हो गए हैं गिनती में, दे आर यूज एज सिंबल फिर मिल गया, और रिप्रेजेंटेटिव फिर मिल गया फॉर कंजर्वेशनल कॉज, राइट आंसर 100% आपके सामने है, डी आंसर इज राइट, उसका उपयोग प्रतीक और संरक्षण कारणों के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लैगशिप स्पीशियस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब किसको अप्लाई करना है, ग्रे भेड़िया, केंचुआ है यहाँ पर, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को सिंबल यूज कर सकते हैं, क्या वो अट्रैक्टिव लगता है, क्या उसकी एस्थेटिक सुंदरता, बहुत रहस्यमय गुण उसमें ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो इसके बेस पर एक केंचुए को जो ये रहा इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, अर्थवॉर्म को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये तो पढ़ा ही नहीं जा रहा मेरे से, इसको ऐसे रिजेक्ट कर रहे हैं है ना, फंगस,
फंगस वो जो काई सी जमी होती है वो वाली रिजेक्ट कर दिया इसको भी, तो वॉल्फ ये हो सकता है कि ये जीव जो दिखाई देता है इतना सोना हो सकता है, राइट इसको चूज कर रहे हैं, राइट आंसर यही है। ये जो ग्रे वॉल्फ है ये रहा, इसको एज ए सिंबल यूज किया जाता है। आपको एरिया देख के पता लग रहा होगा कि बर्फीले इलाकों में पाया जाता है और कम गिनती इसकी हो चुकी है। नेक्स्ट है द सिलेक्शन ऑफ फ्लैगशिप स्पीशियस इज प्राइमरली बेस्ड ऑन देयर सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंटल चेंज, रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम, चार्मिस्टिक एंड एस्थेटिक अपील। ये मेरे ख्याल में बहुत आसान हो गया, चार्मिस्टिक एंड एस्थेटिक अपील बार बार आ चुका है। यहाँ पर करिश्माई सौंदर्य अपील, इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने बाकी के मेरे ख्याल में पहले डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 13th क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लैगशिप स्पीशियस प्ले क्रूशियल रोल इन असेसमेंट असेसिंग द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ इकोसिस्टम, ये रिपीट हो रहा है, गाइडिंग कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्शन, यस इसको राइट पीछे बोल के आए हैं हम, इसको टिक लगा रहे हैं, प्रमोटिंग पब्लिक अवेयर, देखिए ये बड़ा आ गया, पब्लिक अवेयरनेस एंड सपोर्टिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये इससे बड़ा है, डायरेक्ट है। जब ये अवेलेबल नहीं है तो इसको चूज करना था, मॉनिटरिंग द प्रेजेंस एब्सेंस एंड ये इंडिकेटर स्पीशीज की है, ये दो तो पक्के रिजेक्ट हो गए, ये दोनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन ज्यादा चांसेस इसके हैं क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस सपोर्टिंग ये एफर्ट जो है कंजर्वेशन के लिए ये ज्यादा यूज किए जाते हैं। यहाँ पर सी ए बी सी ग ये संरक्षण प्रयासों जन जागरूकता और समर्थन, इसके बेस पर इसको ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 14th क्वेश्चन है, फ्लैगशिप पर व्हाट डिस्टिंग्विशिंग फ्लैगशिप स्पीशीज फ्रॉम इंडिकेटर स्पीशीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पीछे की स्टोन के से डिफरेंस हमने समझा था यहां समझेंगे। अब फ्लैगशिप स्पीशीज हैव ए लार्जर इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम, ये तो वो आ गया ना, मेरे ख्याल अम्ब्रेली वाला नहीं आ गया, वो सबसे ज्यादा है इसमें। इंडिकेटर स्पीशीज आर चूजन बेस्ड ऑन द चार्मिस्टिक, गलत हो गया ना, अब बताने की जरूरत नहीं है। फ्लैगशिप स्पीशीज प्रमोट पब्लिक स्पोर्ट, बिल्कुल ये ठीक है, डबल लगा लिया। इंडिकेटर स्पीशीज यूज टू असेस एनवायरमेंटल कंडीशंस, इंडिकेटर स्पीशीज यूज टू असेस एनवायरमेंटल कंडीशन, देखिए ये इंडिकेटर तो ये यहाँ ठीक हो रहा है, लेकिन हमारे पास ये है कि जो फ्लैगशिप के उन्होंने पूछे हैं एज डिफरेंट फ्रॉम फ्लैगशिप स्पीशीज प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस, इसको ज़्यादा चूज करेंगे क्योंकि उसके करेक्टरिस्टिक्स सीधे कर रहे हैं। तो ऐसे वेरी क्लोज जो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, स्पेसिफिक एग्जांपल बताएगी कि किसको आपने चूज करना है। फ्लैगशिप स्पीशीज आर सिलेक्टेड फॉर देयर एबिलिटी टू, लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, मेंटेन द अबंडेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ अदर स्पीशीज, अदर के बेस पर मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ इसको, इंडिकेट ओवरऑल हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ इकोसिस्टम, यस हो सकता है लेकिन क्वेश्चन मार्क है। रिफ्लेक्ट स्पेसिफिक एनवायरमेंट कंडीशन, इंडिकेटर का है, पक्का रिजेक्ट है। कंट्रीब्यूट टू इकोसिस्टम, तो ये वाला रिजेक्ट हो गया, मेन अबंडेंस एंड डाइवर्सिटी वाला जो है ये भी इंडिकेटर वाला आ गया, और ये भी इंडिकेटर वाला आ गया, दो रिजेक्ट हो गए, ये वाला भी रिजेक्ट हो गया। हमारे पास इंडिकेट ओवरऑल हेल्थ एंड इंटीग्रिटी बच रहा है, कंट्रीब्यूट टू इकोसिस्टम सर्विसेज, ये मेरे ख्याल में अम्ब्रेला की तरफ ज़्यादा जा रहा है जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो हम चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर जिसको क्वेश्चन मार्क लगाया था, लगता था कि ये गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बाकी के ऑप्शन ज़्यादा पूर होने की वजह से इसको चूज कर रहे हैं एज ए राइट आंसर बी। एक परिस्थितिकी तंत्र, बार बार ये शब्द आया है, समग्र स्वास्थ्य अखंडता के, देखिए कहीं ये ऑप्शन गलत हो रहा है, कहीं ये ऑप्शन सही हो रहा है, डिपेंड करता है कि बाकी के ऑप्शन कौन से हैं, दैट इज वाई डिफिकल्टी लेवल इसका ज्यादा था। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ स्पीशीज है उस पर भी ऐसे वीडियो आएंगे। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू